नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पीलीभीत में गणतंत्र दिवस पर किसान यूनियन के लोगों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिसको लेकर बड़ी संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ नवीन गल्ला मंडी में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक यात्रा के रूप में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा शहर के कई स्थानों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और वहां पर अपनी कई मांगों को लेकर एसडीएम सदर को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि पिछले साल ही और आज ही के दिन, यानी कि आपको बता दें, इसको लेकर जो बताया जा रहा है कि 26 जनवरी के दिन ही दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान किसानों और पुलिस में हिंसक झड़प हुई थी और उसी की बरसी मनाने के लिए किसान यूनियन के लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे थे। ऐसा है कि आज हमारा 26 जनवरी का दिहाड़ा है, बड़ा अच्छा दिन है, लेकिन और दूसरी चीज, हमारे जो किसान आंदोलन को पिछले साल एक वर्ष पूर्ण हुआ है, जो दिल्ली पे किसानों द्वारा एक यात्रा निकाली गई थी, किसानों को तो पुलिस ने बहकाव के रूट डाइवर्ट करा दिए थे, एक उसका हमारा विरोध भी है। तो इसलिए हम जो है आज पूरे देश में 26 जनवरी का दिहाड़ा भी मना रहे हैं, उधर किसान जो है अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार ने वहां से उठा दिया और MSP पे अभी तक कानून नहीं बनाया है, उसका हमारा विरोध जारी है। ये यात्रा कहां कहां निकालेंगे या कहां से शुरू होगी, कहां खत्म करेंगे? अब पीलीभीत मंडी समिति से निकल के जेल से छूटने के दूसरे दिन ही वायुसेना से निष्कासित जवान का शव पेड़ से लटकता मिला है। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के पूरे लाल मंजर, बताया जा रहा है कि परैया नकमक सार का बताया जा रहा है, जहां गांव के ही हरिओम पाल पर 35 साल का बताया जा रहा है नशे का आदि होने से वायुसेना से निष्कासित कर दिया गया था और गांव आकार भी उसकी नशे की लत नहीं छूटी थी और करीब ही 7 महीने पहले ही पुलिस ने उस मादक द्रव्य अधिनियम में ही जेल भेज दिया था। नशे की लत से परेशान घर वालों ने उसकी जमानत भी नहीं कराई और गाँव वालों के मुताबिक 25 जनवरी को जेल से छूटने के बाद वो मकान के पीछे अपनी मां को कब्र के पास देखा गया था। और बता दें आपको कि लोगों ने इसको लेकर ही आम पेड़ के, बताया जा रहा है कि लटकता हुआ शव देखकर हड़कंप मचा और जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच में पुलिस अधीक्षक द्वारा ही विधायक नानपारा और SSB टीम के साथ नेपाल सीमा से सटे थाना रुपई डीढ़ा क्षेत्र में ही पैदल गश्त किया गया है और वहां के निवासियों के साथ जनसंवाद किया गया और इस दौरान ही पुलिस अधीक्षक ने ही जनपद बहराइच प्रशांत वर्मा और विधायक नानपारा राम निवास वर्मा और SSB टीम के साथ ही थाना रुपई डीढ़ा क्षेत्र के नेपाल सीमा पर मौजूद ग्राम शिवसेना मोहनिया में ही ग्राम सुरक्षा समिति और ग्रामवासियों के साथ कई बिंदुओं पर संवाद करते हुए क्षेत्र में पैदल गश्त कर उन्हें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। मुख्य तौर पर आज गणतंत्र दिवस के संध्या पर जो हमारा भारत नेपाल सीमा के पास बसा हुआ जो गांव शिवपुर मुरनिया है, यहां पर एक यहां के आम लोगों के साथ एक गोष्ठी की गई, जिसमें यहां के लोकप्रिय माननीय विधायक श्री रामनिवास वर्मा जी द्वारा और यहाँ पे जो सशस्त्र सीमा बल जो यहाँ पर पोस्टेड है उनके कमांडेंट महोदय द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुख्य तौर पर या यहाँ के लोगों के जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं थीं और जो उनके द्वारा सूचनाएं मिलनी हैं, जो उनके द्वारा समन्वय स्थापित किया जाना है और इसके अतिरिक्त कहीं अगर हमारे जो कार्य है उसमें कहीं कोई अगर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर रायबरेली में ही उनके तरफ से सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोधी हैं जिसमें दलित आदिवासी और महिलाओं को अपमानित किया गया है। उन्होंने इस दौरान ही इस बात की भी सफाई दी है कि ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को दिए गए पद्मश्री भूषण सम्मान का
का विरोध किए जाने को लेकर भी स्पष्ट करते हुए कहा कि यह बीजेपी की चाल थी और अगर वास्तव में बीजेपी मुलायम सिंह का सम्मान ही करना चाह रही थी तो उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। वे देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। यहाँ राजनीति और उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम तो सीधे सीधे उन अंशों पर आपत्ति है जो हमारे लिए आपत्तिजनक है, अपशब्द है, गाली है, अपमान है। हर आदमी को अपने अपमान, किसी को भी अपमान बुरा लगता है। अगर यही गाली देने वालों को गाली दिया जाए तो क्या वो हमारी आरती उतारेंगे? इसलिए गाली गाली है, गाली धर्म नहीं हो सकता है। और कोई भी धर्म इंसानियत के लिए है, इंसानियत के कत्लेआम और इंसानियत को अपमानित करने के लिए नहीं। बलरामपुर में जरवा कोतवाली के हलोरा गांव निवासी मौलाना मोहम्मद जमील को महिला और चार बच्चों के अपहरण और धर्मांतरण के आरोप में ही 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है और जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह ने कारावास के साथ ही 50,000 रुपये अर्थदंड और पीड़ित विष्णु को ही 5,00,000 रुपये वर्तिकर देने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने गुरुवार को ही जानकारी देते हुए बताया कि विष्णु पुत्र छोटे लाल निवासी हलोरा ने ही 12 जून को जरवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था और कहा था कि उसकी पत्नी गांव के ही जमील के यहां मजदूरी करने आती थी और जमील ने उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर उसके चार छोटे छोटे बच्चे समेत उनका धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू से मुसलमान बना लिया। और जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त को ही धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत 10 साल कारावास, 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा मिली है और यह प्रदेश का पहला मामला है जिसमें यह अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई है। दिनांक 12/6/2022 को FIR लिखाई गई विष्णुपुत्र छोटेलाल द्वारा, जिसमें उसने ये बताया कि उसकी पत्नी और चार नाबालिग बच्चे, जिसमें दो बेटे और दो बेटियां, इनको मौलाना जमील नाम के आदमी ने बहला फुसला कर मुसलमान बना दिया, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। इसका मुकदमा दर्ज कराया गया। जरवा कोतवाली द्वारा विवेचना के पश्चात जमील के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया और इस मुकदमे में इसका ट्रायल माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा किया गया, जिसमें 5 गवाहों को मैंने प्रस्तुत किया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और जिससे साबित हुआ कि दो नाबालिग बच्चों का खतना, जो लड़के थे दोनों का खतना भी जमील ने करवा दिया। समस्या ये बात भैया कि मजदूरी करे थे उनके खेत में, उनको वहीं से संबंध हुआ, उसके बाद हमारे बच्चों बीवी को घटना ये भाग मुसलमानी बना दिया गया। आपके बीवी बीवी और बच्चों को गांव के लोगों ने, कौन कौन लोग थे वो? वो जमील और शगीर। और वहाँ कोर्ट से उन सबको दोषी करार दिया गया है, तो कोर्ट की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अब खबर झांसी से है जहां पर फ्लाइट टॉकीज के अंदर दो गुटों में झड़प हुई है। आपको बता दें कि इस समय पठान मूवी चर्चा का विषय बनी हुई है और वहीं झांसी के ही इलाइट टॉकीज में ही रात शो के दौरान टॉकीज में कुछ यही देखने को मिला है। जब पठान मूवी चल रही थी और उसके गाने पर लोग पर्दे के सामने नाचते हुए नजर आए हैं, दो गुटों में सीट को लेकर झड़प हो गई और जिसकी सूचना टॉकीज वालों ने पुलिस को दी और समय रहते पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को पकड़कर थाने नवाबाद ले गई। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मऊरानीपुर क्षेत्र में अन्य जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसान कई प्रकार के जतन कर रहा है तो वही कभी कभी फसलों को बचाने का जतन जानलेवा भी साबित हो रहा है। कुछ ऐसा ही मामला टहरोली तहसील के थाना तोड़ी फतेहपुर में देखने को मिला है, जहां पर रहने वाली सुनीता पत्नी जगदीश कुशवाहा मोहल्ला शांति नगर बड़ा गंज खेतों की रखवाली के लिए बांधे गए तारों में उलझ गई और वही तार में करंट आ रहा था।
था, जिसके चलते सुनीता की मौत हो गई। तो वहीं एक आपको बता दें कि पालतू कुत्ता और दो बकरियों की भी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई और एक साथ चार जान करंट की चपेट में जाने से चली गई है। तो वहीं मामले की जानकारी परिजनों के द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी बांदा जिले की ही तिंदवारी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके विरजेश प्रजापति के ही अपने गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरित मानस वाले विवादित बयान का समर्थन किया है। तो झांसी के सुनील महाराज ने पूर्व विधायक को बिना रुके गंदी गंदी गालियां बक दी और जिसका ऑडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल विरजेश प्रजापति बुलंदखंड की बांदा जिले की तिंदवारी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस को लेकर विवादित बयान दिया और जिस पर खूब घमासान छिड़ा हुआ है। गुरु के विवादित बयान के बाद अब ब्रजेश प्रजापति कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने भी गुरु शिष्य की परंपरा को निर्वाहन करते हुए विवादित बयान समर्थन कर दिया था और सपा नेता और पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी रामचरित मानस को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को दोहराते हुए कहा था कि रामचरित मानस को या तो बैन कर दिया जाए या फिर उससे उन पंक्तियों को हटा दिया जाए जो शुद्धों को ही अपमानित करने का काम कर रही है। और इसके बाद जाहिर सी बात है कि विवाद होना तय था और झांसी का एक युवक पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति को ही फोन करता है और फोन पर पहले तो उनसे बड़ी शराफत भरी बातें करता है। उसके बाद ही जैसे ही पूर्व विधायक जरा ऊंची आवाज़ में बात करता है तो ऑडियो के अनुसार यह युवक जो अपने आप को सुनील महाराज झांसी का बता रहा है पूर्व विधायक पर लगातार ताबड़तोड़ गालियों की बौछार कर देता है। लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, आपकी क्या राय है, क्या सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरित मानस में जो पंक्तियां आपत्तिजनक हैं, हम उन पंक्तियों को लेकर के हमारा विरोध है कि उन पंक्तियों को या तो हटा दिया जाए या फिर पूरी तरीके से रामचरित मानस को बैन कर दिया जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पूजा ही विप्र शील गुणहीना शूद्र नगुनगन ज्ञान प्रवीणा, ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो, किसी काम का ना हो, नकारा हो, वो पूजनीय है। लेकिन शूद्र चाहे इतना बड़ा विद्वान हो, तेजस्वी हो, ज्ञान का उसके पास भंडार हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। अब शूद्र कहकर के किसको अपमानित किया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्र में संपूर्ण आदिवासी दलित और पूरा पिछड़ा वर्ग आता है। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट में मौजूद पार्क में ही जनपद के कल्याण और पर्यावरण संतुलन की मंगल कामना के साथ नवग्रह वाटिका का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कहा है कि वृक्षारोपण पर यह कार्यक्रम प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार कराया जा रहा है और उसी कड़ी में नवग्रह वाटिका का वृक्ष लगाए गए हैं। और उन्होंने बताया है कि इस नवग्रह में हर तरह के पेड़ लगाए गए हैं और कौन सा पेड़ किस ग्रह के अनुसार है उसे किया गया है। सभी नवग्रह पेड़ पर वाटिका में लगाए गए हैं और इस मौके पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोग ने ये कलेक्ट्रेट में एक जगह चिन्हित करा के एक काम इसका किया है, नवग्रह वाटिका विकसित करने का, और वृक्षारोपण के कार्य को प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप लगातार किया जा रहा है। तो इसी में कई तरह के रोपण किए गए, जैसे शक्ति वन भी हुआ और उसी तरह से उसी श्रृंखला में एक ये नवग्रह वाटिका का भी यहाँ पे विकसित उसको किया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि कौन से ग्रह के साथ कौन सा पौधा जुड़ा हुआ है, उसका क्या महत्व है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन में उसका क्या महत्व है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना और एक तरह से लोगों का जुड़ाव पेड़ पौधों के साथ रहे, वो उसकी देख रेख में भी अपना योगदान दे, इसी के तहत इसको किया गया है।
अब खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में दो शातिर बदमाशों को पकड़ लिया है। दरअसल पुलिस ने बिना नंबर की प्लेट की बाइक को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान ही एक बदमाश अनुराग को पैर में गोली लग गई है। इस दौरान बदमाश मुकेश को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में पकड़ा गया मुकेश नगर कोतवाली के गनोरा गाँव का निवासी है। वहीं यह पूरा मामला राम सन्नेही घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दरियाबाद अंडरपास का बताया जा रहा है। राम सन्नेही घाट थाना क्षेत्र में जी दरियाबाद अंडरपास के पास चेकिंग चल रही थी जी। जासवाट और राम सन्नेही घाट की फोर्स चेकिंग कर रही थी जी। वहीं पर एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल गुजरी जिसपे दो लड़के बैठे हुए थे। उनको रुकने का जब कोशिश की गई तो वो तेजी से भागे, क्योंकि नंबर प्लेट नहीं था, संदिग्ध लगे तो उसका पीछा किया गया। ये दुल्हदेपुर के रास्ते पे मुड़े और वहाँ पे उनको आगे जो घास उस थी रास्ते में, जैसे उनको ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की गई तो उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पे फंसी। उसमें जो पीछे बैठा हुआ था वो आगे कूद के भगा, इधर बाईं तरफ कब्रिस्तान था। और उधर जब पुलिस पार्टी ने आगे से घेरने की जब उसे कोशिश की तो उसे आगे घिरते हुए देखा तो उसने फायरिंग किया पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी ने जो क्रॉस एक्सचेंज फायर हुआ उसमें उसके पैर में गोली लगी जिससे वो वहाँ पकड़ा गया। दूसरा बदमाश जो था यहीं मौके पर मोटरसाइकिल जो गिरी थी यहीं फंस गया था। बिजनौर के धामपुर से आए एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शाल ने सोहारा थाना क्षेत्र का वार्षिक निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान ही एसपी पूर्वी ने थाने के अभिलेखों, साफ सफाई और मेष का निरीक्षण किया है। एसपी पूर्वी ने कार्यालय में रखे अभिलेखकों के रखरखाव, थाना परिसर की साफ सफाई, मेस और इसके साथ ही यहाँ पर कई चीज़ों का निरीक्षण किया गया। एसपी पूर्वी ने थाना परिसर में खड़े लावारिस सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन और कई अपराधों में बरामद किए गए वाहनों का भी मुआयना किया है। और एसपी पूर्वी ने ही ग्राम पहरियों के साथ गोष्ठी की और ग्राम पहरियों को उनके कर्तव्य से अवगत कराते हुए गांव में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना के संबंध में संबंधित चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अशोक अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ही मानसिकता वाला बताया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और बीजेपी एमएलसी ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से बहुसंख्यक समाज दुखी और द्रवित है और हरदोई के खचोना में ही अपने आवास पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के अशोक अग्रवाल ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज पार्टी और उनके नेताओं को रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है और ना ज्ञान रहते हैं, और कहा कि अगर उनको ज्ञान होता तो ऐसी बात नहीं कहते, मानसिकता प्रतीक है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो कि बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को आहत करे। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समाज उनके बयान से दुखी और द्रवित है। समाजवादी पार्टी की सोच और उनके नेता रामचरित मानस के बारे में कोई ज्ञान नहीं, यदि ज्ञान होता तो शायद वो ऐसी बातें नहीं करते। उसकी क्षुब्ध मानसिकता का प्रतीक है स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी को ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए जो कि एक बहुसंख्यक धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए। फरुखाबाद में प्रेमी जोड़े ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद जिला अस्पताल में प्रेमी की मौत हो गई और प्रेमिका की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं प्रेमिका परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों पर जहर देने का आरोप लगाया है। प्रेमी जोड़े द्वारा जहर खाने के बाद परिजन आनन फानन में दोनों को लेकर जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे, जहां डॉक्टर अशोक बंसल ने 20 वर्षीय प्रेमी युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं ये पूरा मामला फतेहगढ़ को वाली क्षेत्र के गांव भरेपुर का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक अजीब गरीब मामला सामने आया है। जब जेल में बंद अपने भाई से मिलने दादी के साथ 4 साल का मासूम जिला कारागार पहुंचा और मिलाई के समय ही मासूम बच्चे के गाल पर जेल कर्मचारी ने लाल रंग की मोहर लगा दी। जैसे ही बच्चा मिलने के लिए वहां से बाहर निकला था तो बच्चे की आंखें आंसुओं से भरी देखकर लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं जेल अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया है कि जाँच की जा रही है, जिसने ये गलती की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
पहले पता चला है कि किसी बच्चे के गाल पे मोहर लगाया गया है, यद्यपि वो वीडियो देखने में बहुत साफ नहीं स्पष्ट हो रहा है। इस संबंध में हम लोग जांच की, क्योंकि दो ही लोग मोहर लगाते हैं, एक या तो हवलदार जो हमारे बाहर खड़े हैं वो लोग होती ना होगा ना और मोहर लगाने के लिए हम जानते हैं, तो जिससे बंदी के परिजन जो है हमारे मिस ना हो पाए, चाहे बच्चे हो चाहे महिला ऑन करना पड़ेगा ना। अब ये संभव हो सकता है कि बच्चा बाल स्वभाव होता है कि हाथ लगा हो और चुकी मोहर तुरंत गिली होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।